तलवीर है। भिवानी में सरपंचों के समर्थन में सड़कों पर उतरे आप नेताओं ने सीएम और डिप्टी सीएम के पुतले फूंककर विरोध जताया, साथ ही कहा कि जल्द मांग नहीं मानी तो आप सरकार के प्रतिनिधियों को गांव में घुसने नहीं देंगे। बता दें कि हरियाणा में छोटी सरकार यानी सरपंचों के चुनाव होते ही सरकार ने ई ट्रेडरिंग लागू कर दी, जिसके तहत अब हर गाँव में 2 लाख रूपए से अधिक का काम ई ट्रेडरिंग से होगा। उसको रद्द करवाने के लिए महीनों से सरपंचों व सरकार में टकराव जारी है। 2 रोज पहले पंचकुला में इसी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे सरपंचों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज पूरे प्रदेश में आप नेता विधानसभा स्तर पर सड़कों पर उतरे। आप नेताओं ने सीएम व डिप्टी सीएम के पुतले फूंक कर विरोध जताया। कहना चाहोगे एक आप पूर्व में वन पेंशन जो मांग कर रहे हैं कर्मचारी हैं, हर वर्ग परेशान इसको लेकर हरियाणा सरकार लाठी गोली की सरकार है। जो भी कोई वर्ग आंदोलन करता अपने जायज मांगों के लिए उसको कुचलने का प्रयास करते हैं, उस पर लाठियां बाजी जाती हैं। पिछले दिनों कर्मचारियों पर लाठियां बाजी गई, अब जो है सरपंचों पर लाठियां बाजी गई। अगर मेडिकल के छात्र जो है अपनी मांगों के लिए अपनी बातें रखते हैं तो उन पर भी लाठियां बाजी जाती हैं। इस सरकार ने हर वर्ग के लिए जाति की है और वास्तव में क्योंकि सरपंच जो है जनप्रतिनिधि है, गाँव की छोटी सरकार है, उनके साथ 1 मार्च को जो है हरियाणा सरकार ने बहुत ही बेहुदा हरकत की, पानी की बौछारें छोड़ी, लाठियों से उनका स्वागत किया। इस प्रकार की सरकार प्रजातंत्र में कभी भी जो सफल नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तव में ऐसी सरकारें दमनकारी नीति अपनाती है। प्रजातंत्र में टेबल टा करके आपस में बैठ के मेज पर बातें होती हैं, जो जायज बातें होती हैं वो मानी जाती हैं, जो थोड़ी सी अलग होती हैं उनके बारे में सुझाव दिए जाते हैं और मिल बैठ के जो इस बारे में चर्चा की जाती है। हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी सरपंच वहाँ धरना पर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ जो मुकदमे किए हैं उनको वापस लिया जाए और तुरंत प्रभाव से उनकी मांगे जो मानी जाए, इस प्रकार का हमारा विचार है। हमारी आम आदमी पार्टी सभी सरपंचों के साथ है, जब तक आंदोलन रहेगा हम उनका साथ देंगे और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। कहना क्या चाहेंगे, चारों तरफ माहौल आप देख ही रहे हैं, तानाशाही का है, लाठी चार्ज, ये लोकतंत्र है, अपने हक की मांग तो हर इंसान का अधिकार है, वो अपने हक की डिमांड रख सकता है, लेकिन उस पे लाठी चार्ज करना मुझे तो नहीं लगता भी किसी भी सरकार के लिए अच्छी चीज है। ये ठीक है इनका शायद टाइम आ गया है और टाइम आने पर वो कहते हैं ना गिदड़ के जब मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, शायद ये वही है, तानाशाही है, हर किसी पे लाठी चार्ज, चाहे सरपंच तो गांव का मुखिया है, उसे भी जैसे हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को चुनते हैं वैसे ही लोकतंत्र से निकलते हैं, उनके भी वोटिंग होती है, तो उनके ऊपर ये बर्बरता बहुत ही निंदनीय है, ये नहीं है, मतलब क्षमा के लायक तो नहीं है, लेकिन इसके लिए सिर्फ पार्टियां ही कुछ कर पाएंगी ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हर इंसान को जागरूक होना पड़ेगा, जब तक हर आदमी आम आदमी जागरूक नहीं होगा तब तक हम इनसे लड़ने में शायद कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक उनका साथ नहीं मिलेगा तो सफलता मुश्किल है, तो ये हर इंसान को जागना पड़ेगा, हर इंसान के साथ गलत हो रहा है। पार्टी जनता को जोड़ पाएगी? हाँ क्यों नहीं जोड़ पाएगी, उसका तो काम है आम आदमी के लिए काम करना। अब आप देखिए स्वास्थ्य शिक्षा पर भी कौन से अपराध हैं, ये अपराध हैं तो उनको जो डाल दिया आपने। हाँ जी, एक आम गृहिणी हो, महिला हो, 50 सिलेंडर 1100 रुपए का, उस पे क्या कहना चाहोगे? सिलेंडर 1100 का कर दिया एक सब्सिडी के नाम पे, आप देखिए ना ये धोखाधड़ी नहीं तो क्या है, इसको आप क्या कहते हैं कि सब्सिडी देंगे, सब्सिडी कहाँ है? और ऊपर से ना 1 रुपया जब अकाउंट में आता है ये तमाचा है आम आदमी पे, सब्सिडी के नाम पे 1 रुपया अकाउंट में आता है, देख के शर्मिंदगी होती है कि ये कौन सा खेल है, क्या कर रहे हैं ये आम आदमी के साथ, उसको धोखा दे रहे हैं। पहले सब्सिडी के नाम पे सिलेंडर इतने महंगे कर दिए, अब 1 रुपया दे के उनको और शर्मिंदा किया जा रहा है, तो ये हर आदमी का हक है, हर आदमी के हक को ये मार रहे हैं और हर इंसान को इसके लिए लड़ना पड़ेगा। स्टैंड अभी कर रहे हैं अपनी तरफ से, स्टैंड यही रहेगा कि हम जितना हो सकेगा आम आदमी को जागरूक करें, उनकी नीतियां तो आम आदमी के लिए हैं, अगर आम आदमी को जागरूक कर पाए तो शायद हमारा ये अभियान सफल होगा।